दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस इस योनेक्स नैनो रे लाइट एट्टीन आई बैडमिंटन रैकेट का और इस एड्रेनेक्स नेक्स के कॉम्बैट 6000 बैडमिंटन रैकेट का इन दोनों बैडमिंटन रैकेट्स का यहाँ पे कंपैरिजन होगा और हम देखेंगे डिटेल में कि कौन सा रैकेट है बेटर इस छोटे से इंटर के बाद दोस्तों मैं हूं अर्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पोर्ट्स सिक्योरिटी में तो आज इस वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है इन दो रैकेट्स का ये है योनेक्स का लाइट नैनोरे एट्टी नाइन और ये है एड्रेनेक्स का कार्बोन 6000 और कंपैरिजन इसलिए आप लोगों ने मांगा मैं समझ सकता हूँ कि दोनों ही तकरीबन सत्रह सौ रुपये में आपको मिल जाते हैं राइट दोनों ही रैकेट्स का जो प्राइस है तकरीबन सत्रह सौ रुपये है राइट तो इसी वजह से यहाँ पे लोग इनका कंपैरिजन चाहते हैं कि कौन सा बेटर है अब गाइज मैंने इन दोनों रैकेट्स का रिव्यू किया हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सेपरेट रिव्यू भी देख सकते हैं इसका भी योनेक्स वाले रैकेट का भी और इसे वाले का भी राइट तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे चैनल पे जाके आप बेसिकली इस वीडियो के लास्ट में आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा जब पूरी वीडियो देख चुके होंगे और चैनल पे भी आपको इनका सेपरेट सेपरेट रिव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा तो खैर फिलहाल बात करते हैं हम इस यो इन दोनों के कंपेरिजन में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके कवर की क्वालिटी से राइट तो सबसे पहले एज यूजल कवर की क्वालिटी की बात करूं तो आप देख सकते होंगे योनेक्स में आपको बेसिकली काफी बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी मिलती है और योनेक्स का जो कवर है बेसिकली मटेरियल बहुत अच्छा यूज किया हुआ है एकदम स्मूथ सा शाइनिंग वाला और 1000 थाउजेंड डेनिम टाइप में मटीरियल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और फोम पैडिंग के साथ में एकदम प्रीमियम क्वालिटी का अल्टीमेट कवर इसके अंदर मिल जाता है क्लियरली और अगर मैं बात करूं यहां पर बेसिकली एड्रेनेक्स के 6000 रैकेट की तो इसका जो कवर का मटेरियल है वो इतना कुछ खास है नहीं लो क्वालिटी मैटी है इसके अंदर मटेरियल हालांकि इसके अंदर भी फोम पैडिंग दी हुई है तो ये चीज़ है अब मैं बात करूँ योनेक्स के रैकेट के कवर की एक और बेनिफिट है एक और एडवांटेज है कि इसके अंदर आप दो रैकेट भी एक बारी को रख सकते हैं लेकिन एड्रेनेक्स का थोड़ा सा छोटा है

बहुत ही प्रीमियम सा लुक है और हाथ में लेने पे फील भी काफ़ी बढ़िया आती है ये चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इसका लुक भी बहुत खूबसूरत दिया हुआ है राइट एड्रेनक्स ने और योनक्स ने लुक भी बहुत अच्छा दिया हुआ है दोनों ही यहाँ पे मेटे फिनिश में मिलते हैं और फिनिशिंग में आप इनको बिल्कुल एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं कोई ऊपर नीचे नहीं है दोनों ही वन पीस में रैकेट हैं दोनों की ही शेप आप देख सकते होंगे एड्रेनेक्स की भी और इस योन वाले की भी दोनों की यहां पर शेप जो है वो आइसोमेट्रिक है राइट तो यहां पे फिर से यहां पे टाई हो गया इनके बीच में इसके बाद बात करूं स्ट्रिंग टेंशन की तो स्ट्रिंग टेंशन में थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ है कि यून का जो ये नैनो रे है ये बेसिकली थर्टी एल बी एस तक की टेंशन सपोर्ट करता है जबकि ये जो है भाई साहब ये हमारे जो एड्रेनेक्स एड्रेक्स सिक्स थाउजेंड है ये बेसिकली आपके कॉम्बैट सिक्स थाउजेंड एड्रेनैक्स का ट्वेंटी एट एल बी एस तक की टेंशन सपोर्ट करता है लेकिन लेकिन अभी रुकिए पूरी वीडियो देखिए बेसिकली अब मैं बात करूँ यहाँ पर बैलेंस की तो दोनों ही यार मतलब कंपेरेटिवली लाइट वेट दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही काफ़ी बढ़िया है सच बताऊँ तो अब अगर मैं बात करूँ आगे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही लगभग लाइट वेट रैकेट हैं दोनों का वेट लगभग सेम ही है ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इनके अंदर और दोनों ही अच्छा फील देते हैं ये चीज़ है मटेरियल अगेन दोनों अलूमिनियम मटेरियल से मिलकर बने हैं और अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग टेंशन की तो क्लियरली मैंने बता दिया है कि थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है बात करता हूँ ग्रिप की क्वालिटी की ग्रिप की क्वालिटी दोनों की ही नॉर्मल है राइट लेकिन सरप्राइजिंगली इसके अंदर जो ग्रिप दी हुई है ना एड्रेनेक्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा योनेक्स से एक गलती हुई है कि योनेक्स ने जो ग्रिप दिया वो बहुत ही यू you नो know, चुभती सी है, अगर मैं नेचुरल बात करूं तो लेकिन जो एड्रेनेक्स ने ग्रिप दी है वो थोड़ी मुलायम है काफ़ी सॉफ्ट है कंपैरेटिवली तो यहाँ पे आपको जरूर से मैं कहना चाहूँगा हालांकि आप ग्रिप अगेन 300 200 दो सौ की या 500 सौ तक की ग्रिप परचेज करके लगा सकते हैं लेकिन अगेन आप नेचुरली हम बात कर रहे हैं कंपेरिजन की तो ये पॉइंट भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ग्रिप जो है एड्रेनेक्स के इस मामले में जीत जाता है ग्रिप की क्वालिटी एड्रेनेक्स की ज़्यादा बेटर है अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्लेइंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देखो जब मैंने इससे बाहर खेल के देखा इन दोनों रैकेट से पर्सनली जैसे अब डिपेंड करता है कि आप इन दोनों ही रैकेट से खेल सकते हो आप किससे यहाँ पे अच्छा खेल पाते हो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हवा भी चल रही थी और थोड़ा शॉट मारने की भी बात है अब मैंने जो पर्सनली फील किया सरप्राइजिंगली वो ये कि एड्रेनेक्स वाले से शॉट बड़े बढ़िया जा रहे थे राइट इवन देन हवा भी चल रही थी थो, थोड़ा शर्टली इधर उधर मूव हो रही थी तो जब मैं शॉट लगा रहा था तो इससे काफ़ी बढ़िया जा रहे थे जबकि योनेक्स से इतने अच्छे नहीं जा पाए जबकि योनेक्स का रैकेट ये बहुत अच्छा है मैं बुरा नहीं कर रहा लेकिन सरप्राइजिंगली इसने परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी राइट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यून रिफीट हो गया इसने भी अच्छी थी पर मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं बाहर आ, मैंने इससे मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं बाहर यहां पर जैसे नॉर्मली हम खेलते हैं अगर आप बाहर खेलने के लिए लेना चाहते हैं बाहर गली में या फिर कहीं भी आप बाहर अगर खेलते हैं आउटडोर में तो बेसिकली जैसे घर के बाहर कोई कुछ लोग होते हैं वो खेलते हैं या छत पे खेलते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यार पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि ये जो एड्रेनक्स वाला ना है ना काफ़ी बढ़िया यहाँ परफॉर्म कर रहा था उस मामले में लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल खेलते हैं और आपको अच्छा है आपको एक्सपीरियंस है आपको शॉट वगैरह के बारे में प्रॉपर पता है और आप प्रॉपर जो इसका जंगा होती है प्रॉपर इसके कोर्ट वगैरह में प्रॉपर खेलते हैं बैडमिंटन तो आप जरूर से योनेक्स के लिए जा सकते हैं वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली सारे फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे और वहाँ पे आप शॉट वगैरह प्रोफेशनल तरीके से खेलेंगे तो अगर मैं गाइस ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहूँ सब चीज़ों में तो देखो अगर आप मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों में आ, अगर आ, सिर्फ कवर की बात करें तो योनेक्स तुरंत जीत जाएगा योनेक्स की ओवरऑल वेटेज ज़्यादा है क्योंकि ओब्वियसली बात है यार ये प्रोफेशनल लेवल पर बहुत बड़े लेवल पर है ये भी फ्लिपकार्ट की तरफ से एड्रेनेक्स तो लेकिन अगर आप नॉर्मली बाहर खेलते हैं अपने घर के बाहर या फिर कुछ भी करते हैं तो कहीं भी छत पे या कैसे भी तो और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बैडमिंटन के शॉर्ट्स वगैरह की तो आप इसके लिए जाएं अगर आप प्रोफेशनल खेलते हैं तो आप इसके लिए जाएं बस कवर वाली बात ज़रूर ध्यान में रखना कवर हमेशा से योनेक्स का बढ़िया रहा है कवर योनेक्स का तुरंत जीत जाएगा इसका किसका कवर बहुत बेकार है योनेक्स का कवर बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ रैकेट की बात करूं तो गली वगैरह में खेलने के लिए नॉर्मल डेली यूज़ के लिए ये रैकेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलने के लिए ये रैकेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा राइट तो गाइज यही था मेरा कंपेरिजन अब आप देख लो अपने हिसाब से कि जो चीज़ आपको लगता हो कि हाँ भाई आ, ये चीज़ है जिस परपज़ के लिए चाहिए आप उस पर्पज़ के लिए रैकेट खरीद सकते हो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यही गाइस योनेक्स के नैनोरे लाइट एट्टी और एड्रेनेक्स के आ, कॉम्बैट सिक्स बैडमिंटन रैकेट